एवरीवन, तो जो आरआरबी जेई का वेटिंग पैनल आया है, स्पेशल पैनल अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 03/2018, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर का स्पेशल पैनल आया है, तो इस पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये हो गई है कि 3 साल पहले जैसे एग्ज़ाम हुआ, 3 से 4 साल पहले, अब उसके बाद में लोगों को अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना एडमिट कार्ड वो कहाँ रख दिए वो सब भूल चुके हैं, और अब उनको ये नहीं पता है कि ये कैसे रिकवर किया जाए। क्योंकि जो अगर आप वेबसाइट में जाते हैं, आरआरबी की वेबसाइट में, और उसमें जीरो जो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन नंबर है 03/2018, उसमें अगर आप क्लिक करेंगे और वही फिर से फॉर्म वाला ओपन करेंगे तो लिंक ओपन नहीं होती है। तो आपको प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि आप अपना जो रोल नंबर है वो कैसे रिकवर करें अगर आपका वेटिंग में चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो वेटिंग में नहीं थे उसके बावजूद भी उनका इसमें नाम आया है, तो ये चीज़ कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए सबसे आसान दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको आपका ईमेल याद है, आपके मोबाइल में अगर वो ईमेल है, तो आप वहाँ पर 03/2018 में बता रहा हूँ आपको कैसे सर्च करना है, तो वहाँ पर आप जाइए और सर्च कीजिए। 1 मिनट वेट कीजिएगा। जैसा कि आप आरआरबी की वेबसाइट में 03/2018 का जो सबसे लास्ट का एडवर्टाइजमेंट था, यानी कि जो आया था 29/12/2018 को, तो इसको अगर आप टिक करते हैं तो ये ओपन नहीं होता है। यानी कि जैसे मैं डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड जो सेकंड वाला है उसको टिक करता हूँ, अब इसको देखिए, मैं इसको क्लिक किया तो क्या ओपन होता है? RLYRACT@PN एप्लीकेशन खुल जाता है, यानी कि ये प्रॉपर ओपन नहीं होता है कि आप अपना रोल नंबर फाइंड कर सकें। तो यहाँ से तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे अपना जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जीमेल ओपन कीजिए। जीमेल ओपन करके यहाँ पर आप सर्च कीजिए RRP 03/2018। अगर आप ये सर्च करते हैं तो देखिए क्या आता है। जो भी जितने भी मेल थे वो ओपन हो जाते हैं, RRB 03/2018 के जितने भी मेल थे वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। लेकिन ये ओपन तो हो जाता है, अब अगर आप इसमें कोई भी मेल ओपन करेंगे तो क्या आता है? इसमें कहीं भी आपको अपना आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं मिल पाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं भी नहीं मिल सकता है, आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए रिकवर तो करना है, ये तो है कि आप रिकवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना है कि आपको आपका मोबाइल जो है उसको रीसेट करना पड़ेगा। अगर आप रीसेट कर, एक और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, तो जो लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है वो है आपका मैसेज। यानी कि मैसेज में अगर आप जाकर चेक करते हैं 2018 से लेके, ये 2018 में जब फॉर्म भरे थे उस टाइम से लेके और 2021 तक के, वहाँ पर अगर एडमिट कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आता है तो वो सेव हो जाता है और उसका बैकअप जनरेट हो जाता है आपके मोबाइल में, जो गूगल ड्राइव वगैरह हो गया इसमें सेव हो जाता है। तो अगर आप अपना जो फ़ोन है उसको रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते हैं, और उसके बाद फिर से आप जो सेम क्रेडेंशियल फिल करते हैं मोबाइल में, तो जो बैकअप है वहाँ से जनरेट हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली जो आपका जीमेल का बैकअप है, आप उस जीमेल के बैकअप में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। चांसेस हैं कि मिल जाएगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर आपने बैकअप चालू करके रखा हुआ है तो आपके मैसेजेस के बैकअप जनरेट हो जाते हैं। अगर आप मैसेज डिलीट भी कर देते हैं तो मैसेज डिलीट करने के बाद भी वो बैकअप में रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो आपका बैकअप है, अगर आप MI का फ़ोन यूज़ करते हैं तो इसके MI क्लाउड में बैकअप जनरेट हो जाता है और मेल में भी बैकअप जनरेट हो जाता है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैसे मिले। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी।